तो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जा रहे हैं मेरठ दिल्ली से एक डिश खाने जिसको कहते हैं हलीम बिरयानी, हमारी फेवरेट भी है वो। तो मैं और कलीम निकल चुके हैं मेरठ के लिए। अब ये हमने NH24 ले लिया है, नेशनल फ्लैग। बीच में हम रुके हैं यहाँ पे हापुड़ में एक कलीम बिरयानी खाने। यहाँ की कलीम बोल रहा था यहाँ की एक हलीम बिरयानी थोड़ी फेमस है, वो खाकर ट्राई करते हैं एक बार। तो ये जो सर्व कर रहे थे कबाब के साथ सर्व कर रहे थे, जो हमने ट्राई किया तो काफ़ी टेस्टी लगी, लेकिन उस लेवल की नहीं थी जिस लेवल की हम ट्राई करने आगे हापुड़ में, हापुड़ से आगे जा रहे हैं मेरठ। ये भी अच्छी थी लेकिन हमें कुछ और स्पेशल ट्राई करना था। देखिए इन्जॉय करते हुए फिर ये हापुड़ से मेरठ के लिए जाते हुए जो सीनरी थी वो ज़बरदस्त, खेत हरियाली ज़बरदस्त। उसके बाद हम पहुंचते हैं मेरठ सिटी और ये है हाजी रहमान की हलीम बिरयानी, जो कि बहुत फेमस है। और यहाँ पर आप क्राउड देखकर समझ सकते हैं कितना यहाँ पे ज़्यादा रश है। भाई साहब को टाइम ही नहीं है सुनने के लिए, टोकन लेना पड़ता है, टोकन डिपॉजिट यहाँ पे करोगे आप, उसके बाद आपको हाफ एन आवर कम से कम टाइम लगेगा ये हलीम बिरयानी लेने के लिए। ये हमारी बिरयानी आ चुकी है, हलीम बिरयानी, ये पहला बाइट, और खाते ही मज़ा आ गया था इसको, वर्थ लगा था यहाँ आना। हम सिर्फ खाने गए थे दिल्ली से मेरठ हलीम बिरयानी, बहुत टेस्टी थी। उसके बाद हम गए घंटाघर। घंटाघर में एक फेमस लस्सी है यहाँ पर जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है और टेस्टी भी बहुत है, हमने सोचा उसको भी लेट्स गिव इट अ ट्राई। तो यहाँ पर हम बैठ के हमने ऑर्डर कर दिया। ये है वो फेमस लस्सी की शॉप। काफ़ी रश था अंदर भी, बैठे तो लोग वेट कर रहे थे अपनी टर्न का। हमें मिली फिर अपनी लस्सी और कलीम के बैठा, मैं मेरे हाथ में लस्सी है, एंजॉय करते हुए। बहुत अच्छी लस्सी थी काफ़ी, इसमें नीचे खोया भी था तो उसका अलग ही मज़ा था। उसके बाद हम निकल गए वापस दिल्ली के लिए और सही टाइम से हम अपने घर पहुंच गए, ये राक्षरधाम।